आता है इसको, मेरठ से भी फोन आता है, मध्य प्रदेश से भी फोन आता है मैच के लिए कि आए नहीं देंगे सर। हाँ, वो तो लड़के जाओ, भागो यहाँ से, तुम लड़के भागो यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई संगम सानी, आप देखना चालू कर दें सफर सस्तक। दोस्तों बता दें कि हमें उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के में अभी हम उपस्थित हैं। बता दें दोस्तों कि यहाँ की गौरा बरहज की एक बेटी जो अब उत्तर प्रदेश की अंडर 19 टीम में खेलेंगी। दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि लेडीज़ को, मतलब बेटियों को कभी रोकना और टोकना नहीं चाहिए। बेटियों को ऐसा सिखाना चाहिए कि कुछ नाम करें। वहीं एक बेटी हैं जो कि बरहज की बेटी हैं, अभी उत्तर प्रदेश में पूरी छाई हुई हैं और नाम दर्ज कर लिए अपना। बसपा की दोस्तों की अभी ये जो खेल रही हैं ये उत्तर प्रदेश के अंडर 19 टीम में इनका चयन हुआ है। दोस्तों बता दें कि भीमराव अंबेडकर जो बोले थे कि शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बता दें दोस्तों कि देख बरहज की रहने वाली हैं, जो हमारे देवरिया ज़िले के एक बरहज शहर है, वहाँ से उठकर, एक छोटे से गांव से उठकर इतने बड़े लेवल पर अपना मुकाम हासिल करना ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों बता दें कि वो भी एक लेडीज़ के लिए, इनको रोका नहीं गया तो आज ये पूरे इंडिया में अपना नाम कमाने जा रही है। जानते हैं इनके बारे में, इनका संघर्ष कैसे रहा और अभी तक इन्होंने क्या क्या मुकाम हासिल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हेलमेट निकाल लीजिए। आपके संघर्ष के बारे में, अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने यहाँ तक का मुकाम कैसे हासिल किया। कोई बेटियों को बढ़ाना नहीं चाहता है, मतलब पढ़ाना ही नहीं चाहता है, कोई भेजना नहीं चाहता है, आपने उससे निकल कर इतने बड़े लेवल पर आपने मुकाम हासिल किया है, इसके पीछे का राज क्या और किस किस का संघर्ष है आपके पीछे? मेरा नाम आराध्या निगम है, मेरे पिता का नाम द्वारिका प्रसाद, मेरे माता का नाम चंपा देवी, और यहाँ तक पहुँचे हैं इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। अच्छा। और इन्हीं लोगों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पे दिन रात मेहनत करते थे, दिन रात अभी भी करते हैं। नहीं, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कब से इसमें आपका मन लग गया क्रिकेट में? आप हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से कर रहे हैं प्रैक्टिस। 5 सालों से कर रही हैं आप? 5 सालों से मेरा इतने मेहनत करते हुए अब पहुँचे हैं इस मुकाम तक। और आपका कहाँ चयन हुआ है, आप खुद से बता दीजिए। मेरा चयन अंडर 19 कैंप में हुआ है। कैंप में हुआ है, यूपीसी अंडर 19। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगी? और मेरे कोच हैं, इनके वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर आ जाइए, आप भी आ जाइए जी। तो सर के वजह से आपने इतना बड़ा मकाम हासिल किया। ठीक है, और कुछ बताइए अपने सर के बारे में, आपका सर का व्यवहार कैसा रहा, आपका सर का टीचिंग कैसा रहा? मेरे सर का टीचिंग बहुत अच्छा रहा, इन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इन्हीं की टीचिंग की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा। और सर मेरे पीछे बहुत ध्यान देते थे। अच्छा। मेरे लिए एक्स्ट्रा हमको प्रैक्टिस कराते थे ताकि हम वहाँ तक पहुँच सके। तो आइए इनके सर से भी कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर, और बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आज टीचर डे भी है, हैप्पी टीचर डे। आपको भी धन्यवाद जी। सर अपने जो आपकी छात्रा हैं इनके बारे में आप कुछ बताइए। आराध्या बहुत पहले से भी अच्छी थी और बहुत काफ़ी मेहनत किया इन्होंने, और आगे भी बहुत अच्छा मेहनत करना है इनको जी। और बैटिंग भी करती थी, मैं बैट्समैन इसको प्रॉपर खिलाता था, फिर बॉलिंग भी अच्छा करने लगी। तो वुमन्स स्टार कपिल देव सर ने कराया था, उसमें इसका चयन हुआ था, वो EPCR लड़कियों का चयन हुआ था। तो इस कपिल देव सर ने इसको फ्लाइट से गोरखपुर से कराया था। अच्छा। और वहाँ से इसकी मम्मी और ये गई थी, और पूरा इंडिया टीम को जैसे गोरखपुर से फ्लाइट का टिकट हुआ था इनका। हाँ, गोरखपुर से फ्लाइट टिकट हुआ था और दिल्ली गई थी वहाँ पे। उसके बाद से इसकी मम्मी के 5 स्टार में रहने को मिला इसको। अच्छा। हर चीज़, उसके बाद से अतुल वासन सर थे वहाँ पे भी बहुत अच्छा की, मतलब हर चीज़ व्यवस्था के साथ वहाँ पे इन लोगों का स्वागत हुआ। हाँ, वुमेन्स स्टार में, उसमें 8 लड़कों का सिलेक्शन, उसमें इसका नाम था। और वो भी वीडियो है इसके पास जी, चाहेंगे तो आपको दिखा देंगे जी। और उसमें ये बहुत अच्छा खेती, अभी ये अतुल वासन सर के अंडर में ही है, उन्हीं के पास उनका एक एकेडमी है, वहाँ पे करा दी है, वहाँ दिल्ली में भी प्रैक्टिस करती है और यहाँ भी करती है। और वहाँ अभी गई थी ये अंडर कैंप में, कैंप के पहले 2 मैच मिला था, उसमें अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस, सिलेक्शन टाइम में उसमें अच्छा परफॉर्मेंस की, तब इसमें कैंप में हुआ है और बहुत अच्छा कर रही है।
मेहनत अच्छा कर रही है, आगे बहुत कठिन अभी परिश्रम करना है इसको, बहुत अभी लड़ाई है। सर अब बता दीजिए कि आपके एकेडमी के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि इधर उधर भटकते रहते हैं और यहाँ पे आने के बाद जैसे कि इनको सफलता मिला, काश जो भटक रहा होगा उनको भी यहाँ पे आने के बाद सफलता मिलेगा। बच्चों को यह है कि अब वो लोग सोचते हैं कि होगा नहीं, इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब हम तो गार्जियन समझते हैं कि बड़े मतलब दिल्ली बम्बई जाकर खेलेंगे तभी हमारा सलेक्शन हो पाएगा, हमारा बच्चा आगे बढ़ पाएगा, क्यों ऐसा है क्या? नहीं देखिए वहाँ उस सब किसी एकेडमी में जाइए, आप अच्छा अगर करेंगे चाहे 10,000 का हो चाहे 5,000, आप अगर अच्छा ध्यान से कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। देखिए अभी यहाँ एक अंडर 19 में इंडिया अंडर 19 में है ना, आदित्य नाम का लड़का का भी, वो पौन सर के एकेडमी का लड़का है, वो इंडिया टीम में, वो सूर्यवंशी ना बिहार का, नहीं नहीं आदित्य सिंह नाम है, और हुआ है आदित्य सिंह है, आदित्य सिंह नाम का अंडर 19, उस लड़के को हम लोग जानते हैं, वो पौन सर की अकाडमी में करता था और उसका खेला भी है बच्चों के साथ, हम उसको जानते भी हैं, उसका चयन हुआ। देखिए वो भी अभी यहीं पे खेलता था और उस समय वो प्रैक्टिस मतलब स्टेडियम होता था कोई जीरो नहीं, बाकी कोच अच्छे हैं और ध्यान देने वाले हैं, तो देखिए आज लड़का वो अंडर 19 इंडिया टीम में हो गया है जी। हाँ ऑस्ट्रेलिया से उसका मैच है, ऑस्ट्रेलिया से अभी तो होने वाला मैच है, अभी निकला था पेपर में, तो ये जान लीजिए। तो ये जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े, आप ध्यान से कोई भी काम करेंगे कहीं भी रहें, जरूरी नहीं कि दिल्ली बम्बई चाहे लखनऊ खेलेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मेहनत, हाँ आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से ध्यान से खेल रहे हैं, चाहे 10,000 दें चाहे 50,000 दें, आप ध्यान से काम करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, संघर्ष के ऊपर ही आपको सफलता मिलेगी, संघर्ष के ऊपर ही सब डिपेंड है। और मान लीजिए बराज की एकेडमी है तो यहाँ अगर बच्चे अगर जानते नहीं हैं तो जान लें कि BRDPG कॉलेज में शाम को यहाँ पे प्रैक्टिस चलता है जी, 6:30 से 6 चलता है, और आप ग्राउंड में आप जब भी आएंगे तो संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर 7380-86-7900। अपने एकेडमी का पूरा नाम बता दीजिए सर। तारकेश्वर साहनी क्रिकेट एकेडमी बराज देवरिया जी। दोस्तों बता दें कि अभी इनकी मम्मी जी हैं वो भी आई हुई हैं, तो उनसे कुछ बात करते हैं। मम्मी जी आ जाइए इधर, स्वागत है जी। बता दें कि कोई भी अपने बेटियों को भेजता नहीं है कहीं पे भी, डरते हैं सब लोग कि हमारे बेटी जाए कुछ हो जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। आपने इनको कैसे देखा कि इनको भेज दिए? इसको बचपन से ही जैसे स्पोर्ट में इसको खेलने का शौक था। अच्छा। पहले ये थोड़ा छोटी थी तो फुटबॉल ये सब खेलने के लिए भाग जाती थी बचपन से ही। हाँ, गांव के बच्चों के साथ भाग जाती थी छोटी सी। हाँ अच्छा। तो गांव के बच्चे हैं नॉर्मली वो सब है कि लड़कियों को खेलने नहीं देंगे सब। हाँ, वो तो जाओ भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। तो ये आके रोने लगती थी। अच्छा। तो सोचे कि कहाँ डाले, बहुत कोशिश किए, रिश्तेदारों से भी कहे कि कहीं हो कहीं भी हो तो हमारी बच्ची को तो किसी चीज में भी डाल दीजिए, चाहे फुटबॉल हो क्रिकेट हो कोई भी चीज हो हॉकी हो कुछ भी हो, आप लोग कहीं भी कोशिश। शुरू से इनका रुचि खेलने में ही था। खेलने में था तो कोई ने मदद नहीं किया। फिर हम 2019 में यहाँ सुने कि यहाँ है बच्चे, 2-4 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनके पापा आए तो हमने कहा जाइए आप भी देखिए पता लगा लीजिए। हाँ, तो यहाँ आए तारकेश्वर सर के पास। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि हम तो लड़कियों को नहीं प्रैक्टिस, यहाँ कोई भी है नहीं। अच्छा। सिर्फ लड़के हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है हमारी भी बच्ची है देख लीजिए, 13-14 साल की थी ये जी। तो जब इसको लेके आए तो सर बोले ठीक है भेजिए। अच्छा। ये तो लड़कों जैसा ही थी बचपन से। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़के में सीखते हैं कि लड़कियों में है कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई भेदभाव भी नहीं करना चाहिए नहीं। हमें हमारे 2 लड़की हैं और 2 लड़का है, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं, जैसे हमारे लड़के हैं वैसे तरह हमारी बच्ची है। अब कैसे महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही खुशी महसूस है, आप सोचिए हम अब कैसे हम बताएं, ये आज एक बरहज की गर्मियां बन चुकी हैं, बरहज की शेरनी बन चुकी हैं। इधर भी जाती हूँ, आप आराध्या की मम्मी हैं। हाँ। आप आराध्या की मम्मी हैं, तो यही और आपका नाम ही होगा। हाँ, हुआ है हो रहा है, क्षेत्र का भी हुआ है कि बरहज की लड़की गई है। हाँ। तो गर्व महसूस होगा, पूरे देवरिया में इनका नाम। हाँ। चर्चे में इस कहीं भी नोएडा के से भी फोन आता है इसको, मेरठ से भी फोन आता है, मध्य प्रदेश से भी फोन आता है मैच के लिए कि आइए आप आइए आप आइए अपने बच्ची को लेकर खेलने के लिए। तो सर के बारे में कुछ बताइए कि सर का इसमें सर क्या? अभी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे तरफ से, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया इसके लिए जी। हाँ,
जो भी किया अभी इन्हीं के बदौलत है, शुरुआत तो यहीं से की है बच्ची, चाहे अभी कहीं भी रहती है लेकिन इन्हीं के शुरुआत से हमारी बच्ची यहाँ तक पहुँची है। बस यही मैं कहना चाहती हूँ यहाँ के जो भी हैं कि इसी तरह अपने भी बच्चियों को आगे भेजे, कोई रोके ना, किसी भी गार्जियन बच्ची जो भी करना चाहती है चाहे करने दीजिए, हाँ उसको करने दीजिए उसी लाइन में जी। बस और कुछ यही तो देख सकते हो दोस्तों, इनका यही कहानी है। और कभी बोला जाता है कि लड़कियों को रोका ना जाए, अगर रोकेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। अभी इस समय लड़कियां बड़े बड़े लेवल पे आईएसपी से अधिकारी भी बन रही है, कलेक्टर बन रही है, जज बन रही है। तो दोस्तों बता देते कि हैं कि आप भी अपने शहर के बच्चियों को रोका ना करिए, टोका ना करिए। दोस्तों बता दें कि यहीं से इन्होंने प्रैक्टिस किया है और यहीं से इनका सिलेक्शन चालू हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरे टीम के लोग हैं, ये एकेडमी के लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं एकेडमी के हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब खेलने वाले हैं, इसी एकेडमी में सीखते हैं। दोस्तों बता दें कि ये बरहज की एकेडमी है जो कि तारकेश्वर क्रिकेट एकेडमी है दोस्तों, इसी एकेडमी से इन्होंने प्रैक्टिस किया है और इसी एकेडमी से इनका चयन भी होने जा रहा है दोस्तों। तो अपने बच्चियों को इसको दिखाइए, इस वीडियो को इसकी इनके बारे में बताइए, तभी आपकी बच्चियाँ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।